क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। अब रुख करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। नालंदा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से बिहार शरीफ मुख्यालय के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर LJP की ओर से गढ़ पर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि संपूर्ण बिहार की आवाम बिहार के चाचा भतीजे के सरकार से अब ऊब चुकी है। वही जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट ने इस बार भी नालंदा संसदीय लोकसभा सीट से लोजपा रामविलास को टिकट देने की मांग की है। कि 8 तारीख का जो हम लोग चिराग जी का जो कार्यक्रम है, बहुत बृहद पैमाने पे ये प्रोग्राम उनका है और संभावित 30,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना है। तो हम लोग अपने पार्टी की ओर से, जिला कमेटी की ओर से जितनी भी तैयारी की है, उसमें अपना और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के तरफ से भी बिहार शरीफ श्रम कल्याण मैदान में हजारों की संख्या में जनता को न्योता दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की बातों को सुने। इस बार भी लोकसभा उम्मीद है कि हम लोग ही लड़ेंगे। अब रह गई कि पार्टी का बात है, लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, ये लोग तय करते हैं कि कौन सीट लेना है कौन सीट नहीं। अगर नालंदा सीट लेते हैं तो मैं जीत कर यहाँ से संसद भेजूँगा और मैं जदयू के यहाँ से चुनाव हराने का काम करूँगा। 2014 में भी मैंने उनको हराया है, 9,000 वोट से बेईमानी करके हमको जीते थे। उस समय भी मैं इलेक्शन प्रभारी था। खबर नालंदा से है, जहां पैठना गांव के स्थानीय लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से उनके जीवन में काफी बदलाव आया और योजना के लाभार्थियों में अनीता देवी, रानी कुमारी और मोहित कुमार शर्मा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि योजना के लाभ मिलने से पहले उन्हें खाना बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे इस योजना का लाभ मिला है। अब वो समय पर खाना बनाते हैं, साथ ही सरकार 220 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। बरसात में पानी उनी के कारण खाना बनाने में बहुत दिक्कत होता था, इसलिए बनाने लगे। अब किस प्रकार से रह रहे हैं? अब ठीक से रह रहे हैं। अब मिल गया योजना तो उसी पर बनाते हैं? हाँ, गैस पे बनाते हैं। तब ठीक से रह रहे हैं? हाँ, ठीक से रह रहे हैं। प्रधानमंत्री को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि चूल्हा पर बनाते थे, अब गैस पे बनाने लगे हैं। धन्यवाद देती हूँ कि उज्ज्वल का गैस आया हुआ है, आप लेना चाहती है? तो कहें जी सर लेना तो हमको चाहते हैं, तो वहीं से मिला। तो कैसा भी फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है सर, पहले तो चूल्हा पर बनाते थे खाना। क्या चीज़ के चूल्हा? मिट्टी का चूल्हा पे। और का तो उसमें क्या आपको कोई धुआं पर धुआं से परेशानी थे? तब तो उज्ज्वल वाला गैस उठाना पड़ा। तो अब कैसा बुझा रहा है? अब बहुत आराम है, धुआं नहीं होता है। खबर कैमूर जिले से है, जहां जिला परिषद सदस्य विकास सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय विजय सिंह के श्रद्धा क्रम के मौके पर गरीब के बीच कंबल का वितरण कार्यक्रम किया। इस दौरान विकास सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी गरीब असहाय लाचारों को हमेशा भाई परिवार समझकर उनके अरमानों को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते रहे, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहे, मैं भी उन्हीं के रास्तों पर चलने का संकल्प लेता हूँ।
पापा के श्राद्ध क्रम तिरही में आज जिस प्रकार कैमूर के कोने कोने से 11 प्रखंड से भभुआ शहर से जिस प्रकार लोगों ने आकर और अपना प्रेम और श्रद्धांजलि सभा में हजारों हजार की संख्या में जिस प्रकार लोगों ने आके अपना समर्पण व्यक्त किया, उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया, निश्चित बहुत सुकून मिल रहा है। और कैमूर के सभी जनता को दिल से धन्यवाद इस दुख की घड़ी में मेरा साथ देने के लिए। इस दुख की घड़ी में आप, मैं सदैव जनता के लिए समर्पित रहने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन इस दुख की घड़ी में आप लोगों ने आके मेरा हौसला को बढ़ा दिया। मैं एक ऐसे पिता का पुत्र हूँ जिन्होंने हमेशा शोषित वंचितों की लड़ाई को लड़ा है और समाज में हमेशा ही दबे कुचले लोगों को हमेशा ही आगे करने का प्रयास किया है। वो समाज में सभी वर्गों के लिए संघर्ष करने का काम करते थे। नालंदा में केंद्र सरकार से संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना की मांग, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नई शिक्षा नीति के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई नालंदा किला युवा अध्यक्ष मनोज यादव ने की है। वहीं इस ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार नई शिक्षा नीति, बढ़ती महंगाई को लेकर ठगने का काम किया जा रहा है। जदयू के राष्ट्रीय नेता नीतीश कुमार है इस लिहाजे से खीरू महतो अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम लोग ग्राम चौपाल के माध्यम से जो केंद्र सरकार की जो काले करतूत है उसको आज हम लोग जनता के बताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने 2014 और 19 में जो वादा किए थे जो हमने बेरोजगारी को दूर करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, गरीबी दूर करेंगे, महंगाई पे काबू करेंगे, तो आज सभी चीज़ में वह विफल रहे हैं। उस चीज़ को, केंद्र सरकार के नाकामियों को आज हम लोग बताने का काम ग्राम चौपाल के माध्यम से कर रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को सुपर समझता है, सुपर हीरो समझना चाहिए। आप समझिए कि जब एक बेटा होता है ना पैदा, तो उसका बाप सबसे बड़ा हीरो होता है, उसके पिताजी हीरो हैं, उसी तरह एक कार्यकर्ता का उसका नेता हीरो होते हैं। इसलिए खीबू महतो कहते हैं तो कहाँ दिक्कत है, उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि उनके नेता नीतीश कुमार जी हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जो चयन होगा वो तो होगा इंडिया गठबंधन में। लेकिन हर कार्यकर्ताओं को जब तक तय नहीं होता है, जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय हो जाएगा तब खीबू महतो जी बोलेंगे, तब लगेगा कि नहीं बोलना चाहिए। जब से यह सरकार आई है 4 लाख युवाओं को रोजगार दिए, यह जंगलबाज है। यहाँ यूपी के लोग यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, वह जंगलबाज है। महाराष्ट्र के लोग भी आएंगे कुछ दिन के बाद, वह जंगलबाज है। खबर बख्तियारपुर से है, जहां बख्तियारपुर से लेकर रजौली तक बन रहे ओवरब्रिज के ट्रांजेक्शन में काम कर रहे सुपरवाइजर और गार्डों ने काम करना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, ये वजह है जिस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मालिक से बात की लेकिन उन्होंने कहा कि वो ठेकेदार को पैसा दे चुके हैं। वही थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें ट्रांजेक्शन सुपरवाइजर राहुल कुमार की ओर से लिखित आवेदन मिला है। जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, हम लोग अंदर 13-14 गार्ड खट रहे हैं, करीब करीब 3 महीना से हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है सर, इसीलिए अगस्त से लेके अक्टूबर तक के नहीं मिला। और नवंबर में हम लोग 2 से 3 दिन काम किए, उसके बाद हम लोग काम बंद कर दिए, इसलिए क्योंकि हम लोग का 3 महीना से पेमेंट नहीं मिला सर। और गार्ड लोग सारे हम पे दबाव बना रहे थे, इसलिए हम लोग गार्ड को इकट्ठा करके हम लोग मीटिंग किए कि चलिए आप लोग का क्या कहना है। तो गार्ड लोग बताएं कि हमको साथ दीजिए, हम बोले ठीक है हम साथ देते हैं। ये बोले कि थाना में चलिए आवेदन देंगे। 4 महीना से वेतन नहीं दिया वीरेंद्र सर, बल्ली सर। क्या काम करते हैं आप लोग? काम रात में ड्यूटी करते हैं, चाची में पुल में ऊपरे ट्रांजेक्शन बन रहा है। हाँ, कितना आपको वेतन? वेतन हम लोग के देता है 85 रुपया। हाँ, कब से नहीं मिला है? 4 महीना हो गया सर। वेतन नहीं मिला तो सब लोग को कोई दिक्कत आई है? दिक्कत तो है ही, भूखले ड्यूटी करेंगे सर। मोतिहारी के सेंट्रल जेल में एक बंदी की मौत हो गई है। चिकित्सकों के अनुसार हार्ट अटैक से बंदी की मौत हुई है। दरअसल मृतक बंदी को चरस के साथ
छिनैती में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में परिजनों ने कई सवाल खड़े किए हैं। दो दिन पहले ही मृतक कैदी से परिजन मिलने के लिए आए थे और परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। सहरसा में राज्य कमेटी के निर्णयानुसार जिले के कई अस्पतालों में कार्यरत ममता कार्यकर्ता की ओर से अपने चिरलंबित मांगों को लेकर सिविल सर्जन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। ममता संघ के जिला मंत्री सावित्री देवी के संचालन में सैकड़ों ममता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें कई प्रखंड अस्पताल में कार्यरत ममता को कई महीने से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने पर आक्रोश जताया गया। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत कार्ड की व्यवस्था समेत अन्य मांग संबंधित मांग पत्र सिविल सर्जन को सौंपी गई है। इस धरना कार्यक्रम को जिला मंत्री शरद कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार को इन मांगों को हर हाल में मानना ही होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।